इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हम, इसलिए मैंने क्लास का नाम भी वही रखा हुआ था। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर पे चल लेते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है, जो जो चीजें यूज करेंगे हम, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सपोर्ट मटेरियल से थोड़ा जल्दी भी रिवाइज हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अब यहाँ पे निर्माण का मतलब ध्यान में रखना है आपको कि कोई नई चीज बन रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्ले ली, क्ले से आपने क्या किया, क्ले को मोल्ड करा और उससे किसी कोई भी शेप दे दी, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि भाई वो नया पदार्थ बन गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नई चीज यहाँ पे बनेगी उसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर नए प्रॉपर्टीज होंगी। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अगर मैं एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया लिखूं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और आपको जल मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां जो अभिकारक है मेरे, ये दो अभिकारक है। और अगर मैं उत्पाद की बात करूं तो ये जो जल मिला ये यहाँ पर उत्पाद हो गया। तो जितने भी हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे भोजन का जो पाचन हो रहा है शरीर में, आप जो सांस ले रहे हैं, लोहे में जंग लगना है, मैग्नीशियम को जलाना है या दूध से दही का बनना है, ये सारे के सारे उदाहरण है आपके रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था की बात करें तो अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु ठोस थी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वो हो सकता है द्रव में चली जाए, द्रव से गैस में चली जाए, या उल्टा भी हो सकता है, गैस से वो द्रव अवस्था में आ गई या द्रव अवस्था से ठोस में आ गई। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में है, लेकिन जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये किस में आ गई? द्रव्य अवस्था में। तो अवस्था में परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई वस्तु का रंग अभिक्रिया से पहले कुछ था और अभिक्रिया के बाद में कुछ हो गया, तो वो भी एक जो है गुण जिसके द्वारा हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर डिफरेंस, कि आपने जब उसको किया तो उसमें जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मोलू जो है स्क्रीन पे मत लिखो कुछ भी, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर अपना हाथ चलाओ। तो तापमान में जो परिवर्तन होगा वो भी एक अभिक्रिया है। इसका अगर उदाहरण, अब वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, ठीक है, उसको जैसे ही पानी में डाला जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, CaOH(2)। वहां पे क्या होगा कि जैसे उसको पानी में डालेंगे तो वो जो है एक उसमें, हेलो कौन बोल रहा है बीच में, इसी तरह से जो है गैस का उत्सर्जन, कोई भी गैस उसमें से निकलना, ये चार पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखने हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के अंदर होते हैं। अब अगर आप रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं तो दो तरह से होता है। एक होता है शाब्दिक समीकरण, पहले जो है शब्दों के रूप में लिखा जाता था, जैसे आप देख रहे हो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन में। अब शब्दों के रूप में जब हम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस तत्व के कितने जो है परमाणु उसमें काम कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर जो है आप देखोगे कि, एक मिनट में अभी कर रहा हूं, ठीक है ना।
तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो शाब्दिक रूप में की बजाय हम इस तरह से उसको चिन्हों के रूप में लिखने का क्या फायदा है। तो ये ध्यान में रखना है कि शाब्दिक रूप के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस तत्व के कितने परमाणु जो है वो उसमें अभिक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा था, लेकिन अगर आप उसका फॉर्मूला देखो तो H2SO4 है, तो दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन मिलकर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे, जबकि हमें शाब्दिक रूप में इसका पता नहीं चलेगा। ऊपर जो है हमें, अगर हम इसकी सिंपल वाली अभिक्रिया की बात करें तो उसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे अगर मैं यहाँ पर खाली हाइड्रोजन गैस लिखता या खाली हाइड्रोजन लिखता और ऑक्सीजन लिखता, तो मेरे को नहीं पता चलता कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मेरे को लेनी है। और ये जब हम इसको अभी समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे तब देखेंगे कि उस टाइम भी जो है शाब्दिक रूप से आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है शाब्दिक रूप की जगह चिन्ह के रूप में जो समीकरण लिखे जाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है ना, भौतिक अवस्था क्या है कि भाई उसमें हम लिखेंगे ठोस है, द्रव है, गैस है, जो भी है वो लिखेंगे। फिर आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है, तो संतुलित करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, हम सीधे सीधे देखेंगे कि भाई हाँ ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, हो रही है कि नहीं। एक होता है चरणबद्ध तरीके से संतुलित, इसमें जो है अलग अलग हम, लेकिन एग्जाम के अंदर चरणबद्ध तरीका नहीं आता, सीधा सीधा पूछा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का प्रश्न होता है, तो उसमें जो है हमें सिर्फ उसको संतुलित करके बताना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे हम चरणबद्ध तरीके से पहले सीखेंगे, फिर इनके कुछ उदाहरण जो है मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, वो आपको करके देने। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी है कि जहाँ पे आयरन जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल, अब इसको हमें संतुलित करना। संतुलित करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी ये LHS वाली साइड है ये RHS वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अभिकारक वाली साइड जो है उत्पाद वाली साइड के बराबर। बराबर का मतलब कि जो भी तत्व की संख्या इस तरफ होगी LHS की तरफ, उतने ही तत्वों की संख्या आपके इस तरफ भी होनी चाहिए। तो हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, आप देखोगे हमने सबसे पहले लिख लिया अलग अलग तत्व जिसमें जो है आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आयरन हमारा LHS की तरफ कितना है, एक, तो हमने एक लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो हमने दो लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो एक लिख दिया। उत्पाद के अंदर आयरन हमारे कितने हैं, अब ये इन्होंने यहाँ पे तो Fe2O3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे Fe3O4 के हिसाब से कर दिया, ठीक है ना। तो आप इसको इक्वेशन को चेंज कर लो, क्योंकि Fe3O4 और Fe2O3 दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे आयरन हमारा 3 हो गया, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं उत्पाद के अंदर, और ऑक्सीजन हमारी 4। हमें ये देखना है अब सबसे ज्यादा असंतुलित तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा असंतुलित है ऑक्सीजन, इसको हम सबसे पहले अब संतुलित करेंगे। सबसे पहले संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा जो है अभिकारक की साइड जो है ऑक्सीजन था, अब ध्यान रखना है संतुलित करते समय कभी भी किसी तत्व के नीचे की तरफ, मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर को नहीं लिख सकते। अगर अकेला है तो लिख लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से यौगिक के रूप में तो नहीं लिख सकते कि अगर हम संतुलित करना है ऑक्सीजन 4 करनी है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, नहीं, मेरे को 4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब जब मैंने 4 यहाँ पर लिखा तो ये 4 जो है दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन बढ़कर कितनी हो गई, 4, और इसके नीचे पहले से 2 था, इनको गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 8। तो मेरी ऑक्सीजन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन 8 हो। अगर मैं फिर से इसके आधार पे एक टेबल बनाऊं तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा समीकरण बदल गया, यहाँ पे
तो ये चार आ जाएगा, मतलब मेरी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन जो दो थी उसकी जगह कितनी हो गई, आठ हो गई। इधर हाइड्रोजन कितनी है, दो है, लेकिन इधर आठ हो गई। तो मैं क्या करूंगा, अब अगले चरण के अंदर जो इस साइड मेरी हाइड्रोजन थी उसके आगे भी मैंने चार लिख दिया। तो अब मेरी हाइड्रोजन भी चार हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई दोनों तरफ। अब बचा क्या बैलेंस करने के लिए, आयरन। तो आयरन इधर थ्री था, इधर वन था, तो मैंने उसके आगे तीन लगा लिया। तो अब मेरा यहाँ पर ये भी तीन हो गया। अब मेरे को सिर्फ इनका जोड़ करना है, तो ये आठ और चार बारह और तीन पंद्रह, ये जोड़ आ रहा मेरा। और इधर भी मैं करूंगा तो आठ और चार बारह और तीन पंद्रह, तो मेरे अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ जो जोड़ आ रहा है वो बराबर। तो इस तरह से ये संतुलित किया जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं लिख सकते हैं। ठोस में S लिखना होता है, द्रव में L लिखना होता है, गैस है तो G लिखेंगे, जल के अंदर तैयार किया गया उसका विलयन तो AQ लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। तो हमने उसके जो है ये अलग अलग जो है उसकी अवस्थाएं लिख दी, तो इससे हमारी जो अभिक्रिया है वो हमें और ज्यादा बताएगी। उसके बाद हम उस पर लिख सकते हैं कितने ताप, दाब या किसी उत्प्रेरक जो कि उस अभिक्रिया को करने में मदद करता है उसके साथ में भी हम बता सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली हमें पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया में आप देखोगे कि ये दिखा रखा है, जो अभिकारक है उसमें दो चीजें दिखा रखी है और उत्पाद में खाली एक, यही आपकी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी। संयोजन, संयोजन मीन्स जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जुड़े कोई भी दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। ये ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है कि जो हमारा उत्पाद होगा वो सिर्फ एक होगा। यह अभिकारक की तरफ जो है दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद की तरफ एक ही होगा। तो कोयले का दहन देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अभिकारक दो थे कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन उत्पाद एक था कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जो मैंने अभी बात की थी, मुजावा चूना बोलते हैं इसको, जल में हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया पानी में डालने के बाद, पहले था ये बिना मुजावा चूना। अब इसी पे आधारित एक होती है ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में जो है दहन करने पर या जिन अभिक्रियाओं को करने के ऊपर आपको जो है ऊष्मा मिलती हो बाहर, जिसमें से एनर्जी मिलती हो, उसको ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे घर में जो गैस होती है उसको जलाते हैं, जो आपकी बायोगैस, उसके अंदर मीथेन होता है, घर के अंदर तो जो आती है उसके अंदर ब्यूटेन प्रोपेन ये गैसेस होती है। तो जब हम मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊष्मा मिलेगी। हालांकि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ऊष्मा शेपी अभिक्रिया का उदाहरण बता रहे हैं कि जिनमें अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है उनको ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया दूसरी जो होती है आपकी, वियोजन अभिक्रिया जो है बिल्कुल आपकी संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। आपने देखा था उसमें ए प्लस बी बराबर सी दिखा रखा था, यहाँ पे क्या है ए और फिर वो बी प्लस सी दिखा दिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका अभिकारक एक होगा और उत्पाद कितने भी हो सकते हैं। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये आपको ये याद करनी है कि किस किस तरीके से हो रही है। किस किस तरीके से का मतलब क्या है, तीन तरीके होंगे, एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक विद्युतीय वियोजन होता है और एक प्रकाशीय वियोजन होता है, ठीक है ना। इन तीनों के उदाहरण भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन की अगर हम बात करें, बेटा अपना म्यूट करो, जिसने भी म्यूट नहीं कर रखा, ये क्या धनिया वनिया की आवाज आ रही पीछे। तो इसके अंदर जो है ऊष्मीय वियोजन के अंदर, ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर जो है, मोलू, तो इसके अंदर जो है फेरस सल्फेट,
हरा रंग होता है जब इसको हमने गर्म किया, तो ये Fe2O3, SO2 और SO3, आपको क्या मिले, तीन उत्पाद मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और हरे रंग से ये किसमें बदल गया, भूरा और लाल रंग बन गया। ये एक ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। इसी तरह चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजों में बदल गया। लेड नाइट्रेट, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। इसमें जैसे खाली स्थान दे देते हैं ऐसे कि यहाँ पे क्या क्या आएगा आपको बताना होता है, या कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लेड नाइट्रेट जो है PbNO3, इसको जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, PbO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन, इन तीन में बदल जाता है। दूसरा जो वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, विद्युत वियोजन, तीन तरीके से पढ़ना है हमने, ऊष्मा का पढ़ लिया ये तीन उदाहरण। विद्युत वियोजन में सिर्फ एक ही आपका उदाहरण है जल का, कि जल को जो है जब हम विद्युत के द्वारा वियोजित करते हैं, विद्युत वियोज मतलब विद्युत को इस्तेमाल करके तोड़ना। आप देखोगे कि हमने क्या किया है, एक कप ले रखा है मग टाइप में, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ग्रेफाइट की रोड लगा दी, एक हमारी एनोड है, ठीक है। एनोड जो होती है उसके ऊपर जो आपका वो होती है धनावेशित, एक है कैथोड, ये नेगेटिव चार्जेस, इसको की ऋणावेशित कहा जाता है। इसको जब बैटरी से कनेक्ट किया तो ये जो पानी है इसके ऊपर आप देखोगे दो टेस्ट ट्यूब परख नली लगा रखी हमने उल्टी करके। शुरुआत में क्या होगा, दोनों के अंदर पानी की मात्रा बराबर होगी, जैसे ही हम करंट पास करेंगे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसमें बबूले से बन रहे हैं। आप देख रहे हो इस परख नली में एनोड के ऊपर बबल्स बन रहे हैं और कैथोड के ऊपर भी, और ऊपर से ये धीरे धीरे जो दोनों टेस्ट ट्यूब जो है खाली होना शुरू कर देंगे। आप आधे घंटे एक घंटे ये सब प्रक्रिया को करोगे तो आप देखोगे कि जो है आपकी एनोड वाली टेस्ट ट्यूब अगर इतनी खाली हुई है तो कैथोड वाली इतनी खाली हो जाएगी। मतलब अगर एनोड जो है जितनी खाली हुई उससे दुगनी आपकी कैथोड खाली हो, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका फॉर्मूला आप देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, एक जल के अंदर H2O होता है ना फॉर्मूला, वो इसके अंदर जब ये टूटेगा तो दो हाइड्रोजन बाहर आते हैं एक ऑक्सीजन, उस कारण से परख नली के ऊपर जब जाएगी तो ऑक्सीजन जो है एनोड के ऊपर इकट्ठी होती है और हाइड्रोजन आपकी कैथोड के ऊपर इकट्ठी होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वाली परख नली के ऊपर आपको डबल स्पेस खाली मिलेगा और ऑक्सीजन वाले के पास सिंगल स्पेस। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं कि इन परख नली को निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें निकालने से पहले इस परख नली का जो आगे का माउथ है उसको थंब से पहले ही बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसको हम जलती हुई मोमबत्ती के पास। ये कौन बोल रहा है, आकाश म्यूट करो अपने आप को। तो इसके अंदर जो है जब हम जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं तो अगर जिस परखनली को हम मोमबत्ती दोनों को लेके जाएंगे, जिस परखनली को ले जाने से मोमबत्ती के पास जाते ही पॉप ध्वनि आएगी तो वो हाइड्रोजन है, और जिसके ऊपर विशाल स्क्रीन के ऊपर ये लाइन क्यों डाल रहा है, तुम बच्चे हो गया, तुम दूसरी तीसरी क्लास के जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो। तो जिस परख नली को आप मोमबत्ती के पास लेके जाओगे और आपको पॉप ध्वनि आएगी तो इसका मतलब जो है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और अगर जिस परख नली को लेके जाओगे और उस पे जो है आपकी मोमबत्ती और तेज जलने लग जाएगी तो इसका मतलब उसके ऊपर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये आपका हो गया विद्युत वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। इसके अंदर जो है हमने, क्योंकि वियोजन तीन तरह से पढ़ना था, हमने ऊष्मीय पढ़ लिया, विद्युत पढ़ लिया, अब प्रकाशीय वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड।
इसको हम अगर सूर्य के प्रकाश में लेके जाएंगे तो अपने आप ये सिल्वर और क्लोरीन, मतलब इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और सिल्वर वहीं पर रह जाएगा चमकदार, अपने आप ये विभाजित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। इसी तरह से AgBr भी जो है सूर्य के प्रकाश से सिल्वर और ब्रोमीन में या ब्रोमाइड में अलग हो जाता है। अब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, मतलब जो उसका कलर होता है उसी के अंदर। इसको अब तो खैर हमारे पास डिजिटल कैमरा आ गए, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करी जाती थी उसके अंदर जो फिल्म होती थी उसको धोने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए एक अंधेरे कमरे में जाके किया जाता था। यहाँ पर आपको एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है जिसको कहा जाता है ऊष्माशोपी अभिक्रिया। हमने पहले पढ़ा था ऊष्माशेपी अभिक्रिया। ऊष्माशेपी अभिक्रिया में क्या था, जिस भी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा बाहर निकलेगी उसको, और ऊष्माशोपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो ऊष्माशोपी अभिक्रिया और ये ऊष्माशेपी आज यहीं तक करेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया और बाकी जो है कल करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, जब आपकी हर रोज क्लास होगी तो लगभग 2 या 3 दिन में आपका एक पार्ट रिवाइज हो रहा होगा, वो पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है छोटा है या बड़ा है। जैसे ही हमारा पाठ खत्म होगा उसके बाद एक टेस्ट आएगा आपका, आपके ग्रुप जो अभी नया बनाया आज मैंने, तुम्हें ध्यान हो जिन बच्चों ने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जितने भी साइंस से रिलेटेड रिवीजन और जो काम होगा और जो भी आपकी अब वर्कशीट आएंगी आगे, आपको करके सिर्फ उसी ग्रुप में भेजनी है। आपका जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाला 10C का ग्रुप है उसमें भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मिक्सअप हो जाती है साइंस की वर्कशीट, कहीं किसी बच्चे की कहीं पर आती है, कभी किसी की आती है, पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और अब जिस बच्चे की वर्कशीट नहीं आएंगी, मैं मेरी तरफ से जो तुम्हें स्कूल के 20 नंबर मिलने हैं उसमें से कम नंबर दूंगा, मेरे चाहे से फेल हो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्कशीट कर ही नहीं रहे। हम जो है 58 वर्कशीट हो चुकी है हमारे विज्ञान की, अब तक लगभग पूरा सिलेबस होने वाला है वर्कशीट के हिसाब से। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे सिलेबस को रिवाइज करते हुए, फिर हम वर्कशीट्स को भी रिवाइज करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर वर्कशीट वाले वो भी देखो। और अब 3 महीने बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाओ, तुम्हें जो है नंबर पास होना नहीं है, नंबर अच्छे लेके आने, और इस बार बड़ा अच्छा मौका है कि बहुत अच्छे नंबर लेके आने। मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, इस बार पेपर भी इजी आएगा, मार्किंग भी लीनियंट होगी, तो वो उतना ही आपको आगे मदद भी करेगा। ठीक है, एक बार अनम्यूट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। सेतु? हाँ भाई। नो सर। समझ में आ रहा है सर? यस सर। यस सर। क्या कह रहा है आदित्य, क्या कह रहा है, एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके। सर विद्युत वियोजन वाला। विद्युत? हेलो सर। विद्युत वियोजन वाले में तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि ये विद्युत के द्वारा हम जल को तोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जा रही है और एनोड के ऊपर कौन सी गैस जा रही है, वो ध्यान रखना है। तो उसके लिए ध्यान रखना, एनोड धनावेशित होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है। तो ऑक्सीजन हमारी ऋणावेशित होती है तो वो धनावेशित की तरफ जाएगी, और हाइड्रोजन दोनों तरह से काम कर सकता है, वो धनावेशित भी ऋणावेशित भी। तो अब धनावेशित वाली जगह तो ऑक्सीजन ने ले ली, तो इसलिए फिर हाइड्रोजन जो है आपके ऋणावेशित की तरफ ही जाएगा। और हाइड्रोजन डबल मात्रा में क्यों जाता है, क्योंकि जो आपका जल का जो फॉर्मूला है वो है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जब भी आपका एक जल का अणु टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन। इस कारण से जो है हाइड्रोजन ज्यादा इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन कम इकट्ठी होगी, ठीक है ना। तो यही है इसके अंदर, लेकिन ये तीनों आपको इनके उदाहरण के साथ में करने जरूर ही आता है एग्जाम के अंदर। ऊष्मीय के अंदर आपको लेड नाइट्रेट वाला इक्वेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, प्रकाशीय के अंदर सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड, और इसमें जल वाली। इसको अपनी बुक से भी पढ़ो, इससे भी पढ़ो। अब धीरे धीरे साथ साथ रोज जितना करवा रहा हूं उतना पढ़ोगे ना, अपने आप तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ हमारा कुछ रिविजन हो रहा है,
और जो बच्चे नहीं आ रहे उनको भी कहो कि ज्वाइन करा करेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग यही टाइम फिक्स कर लेते हैं के आसपास, ठीक है ना। हाँ अब बोलो, और कौन क्या कह रहा था सर? हाँ बोलो आकाश, कौन बोल रहा आकाश? सर कल भी इतने बजे मीटिंग स्टार्ट होगी? हाँ कल भी लगभग इतने बजे, अगर इसमें दिक्कत है तो मेरे को बता देना कि कोई और टाइम रखना है तो, क्योंकि मेरे भाई के नाम से आईडी चल रही है। अच्छा इसमें क्या है बेटा, अभी एक स्कूल सर सुबह का रख लो सर, सुबह वही बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्कूल की तरफ से एक टाइम टेबल बनने वाला है, वो मिलेगा तो फिर उस टाइम ही करनी पड़ेगी हमें, फिर तो वो सभी सब्जेक्ट्स का तुम्हारा भी बन के आएगा। और सभी डेली जो है अब आगे से ऑर्डर आ गए हैं कि आपकी डेली 5 क्लासेस लगेंगी 5 सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अब अपने पेरेंट्स सर, मेरा नाम सूरज है, आकाश नहीं। अच्छा ये तो नाम उसमें रीनेम रीनेम कर लिया करो, जब ज्वाइन करते हो ना तब रीनेम का ऑप्शन होता है, उस टाइम रीनेम कर लिया करो। तो इसलिए जो अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाओ कि अब अगले 3 महीने अगर फोन वो साथ में लेके जाते हैं तो घर छोड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि दिन में भी लेनी पड़े हमें क्लासेस, क्योंकि आगे से ही ऑर्डर आ रहा है, उसमें ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि बच्चों को कहो अपने पेरेंट्स को समझाएं और दिन में कोशिशें करें जितने बच्चे दिन में जुड़ सके, ठीक है। तो इसमें जो है आज तो खाली 8 ही बच्चे दिखा रहा है हमारा, 8 में क्या 7 ही है, 8वां तो नहीं हूँ। बोलू आदित्य सर, रोशन और बलवंत भी आएंगे कल, ठीक है कोई बात नहीं, जितने आ सके। और ये विकास, यस सर, एक बार जब सारे ज्वाइन कर लेना तो बेटा इनके नाम नोट कर लिया कर या स्क्रीनशॉट ले लिया कर एक बार पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है? ओके सर, क्योंकि हमें अटेंडेंस लेनी है ना, कौन किस बच्चे ने किस दिन ज्वाइन करी थी डेट वाइज, तो इसका स्क्रीनशॉट बीच में ले लिया कर एक, ताकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहे, ठीक है। तो इसको पढ़ना, फिर कल इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और इसके आगे करेंगे, ठीक है भाई? ओके सर, सर कल भी सेम टाइम है? हाँ कोशिश यही करेंगे, अभी यही सेम टाइम, ठीक है सर, ओके गुड नाइट।